बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अपने तो दरकिनार बिगाने भी आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदाकत के कायल थे। सुलह हुदैबिया की मुद्दत में हरकल रोम ने अबू सुफियान, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, उनसे आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की निस्बत पूछा कि क्या दावा नबूवत से पहले तुम्हें उन पर झूठ बोलने का गुमान हुआ है? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रवायत करते हैं कि एक दफ़ा अबू जहल ने आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम कुरैश तुमको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो कुछ किताब व शरीयत में तुम लाए हो इससे हम इनकार करते हैं। इस पर अबू जहल और इसके अमसाल की शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, फ़इन्नहुम ला युकद्दिबूनक वलाकिन्नल ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। वो तुझको झूठा नहीं कहते, लेकिन ज़ालिम खुदा की आयतों का इनकार करते हैं। उतबा बिन रबी हज़रत अमीर मुआविया की वालिदा हिंद का बाप था, जो जंगे बदर में कुफर पर मरा। एक रोज़ कुरैश ने इसको आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने के लिए भेजा। इसने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर चंद उमूर पेश किए कि इनमें से जो चाहें इख्तियार करें और नए मज़हब से बाज आएं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने सूरह हामीम अल सजदा पढ़नी शुरू की। जब आप इस आयत फ़इन आरदू पर पहुँचे तो उतबा ने आपके मुंह मुबारक पर हाथ रख कर और कुराबत की कसम देकर कहा कि आप आगे ना पढ़ें। इसके बाद उतबा ने वापस जाकर कुरैश से ये माजरा बयान किया और कहा कि इसने मुझे कुरान सुनाया। जब वो इस आयत पर पहुँचा, फ़ैना अवदु फ़कुल अनज़र तुकुम सौकतम मिसला सौकतियों व समूद, इसका तर्जमा ये है, अगर वो मुँह फिरें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें एक कड़ाके से डराया है जैसा कि आदो समूद पर आया था। तो मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कुराबत करबिया की कसम देकर कहा कि बस आगे ना पढ़े। तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जब कुछ कह देता है तो वो हो जाता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं डर गया कि कहीं तुम पर वो आज़ाब नाजिल हो जाए जिससे इसने डराया था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को ऐलान दावत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश को पुकारा। जब वो जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वादी मक्का से एक सवारों का लश्कर तुम पर तख्तो ताराज करना चाहता है तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा? वो बोले, हाँ, क्योंकि हमने तुमको सच ही बोलते देखा है। यह है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सदाकत की शान कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे।